जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं आपके साथ हूं सोनू कुमार सिंह। मैं भी बेगूसराय में है और बेगूसराय का ये 13 प्रखंड क्षेत्र है और ये क्षेत्र संख्या 17 पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्षेत्र संख्या 26 के निवर्तमान और बेगूसराय के निवर्तमान चेयरमैन थे, जिन्होंने अपना नामांकन क्षेत्र संख्या 17 में आकर के करवाए हैं। और चुनाव प्रचार अभी बहुत रफ्तार से चल रही है। इसी में उनका मैडम जो अभी से पूर्व भी जिला परिषद अपने क्षेत्र संख्या 26 से रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपने हस्बैंड के जो चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 17 से, उसमें अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, उसमें अपना चुनाव प्रचार में अभी भाग ले रहे हैं। और अभी चुनाव प्रचार में बरौनी 2 में है, इनसे बात करते हैं। मैडम, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। क्योंकि आप तो अलग क्षेत्र के जिला परिषद थे और इस नए नए इस क्षेत्र में आए, तो क्या क्या प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है? नया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मदद कर रहे हैं, सब मिल के मदद कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, सब जनता से मिले हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। भारी बहुमत से जीतेंगे। इससे पहले भी आप जिला परिषद थे ना? हाँ, थे जिला परिषद, पूर्व जिला क्षेत्र संख्या 26 से थे, यहाँ 17 से हैं, तकरा प्रखंड से। लेकिन यहाँ पे आप लड़ने का वजह आखिर क्या है? यहाँ से वजह क्या है, यहाँ मतलब चौमुखी विकास करेंगे, जनता पर विश्वास है, भरोसा है, विश्वास लेकर आए हैं। और जनता को भी हम विश्वास देंगे, मेरा वादा है सब जनता से। जनता भगवान है, भगवान रूप सबको प्रणाम करते हैं। सब मिल के जिताइए, चौमुखी हम लोग विकास करने के लिए तैयार हैं। चुनाव प्रचार में आज के फर्स्ट दिन घूम रहे हैं? नहीं, ये 2 दिन हो गया है, कल और आज। क्या क्षेत्रों में क्या विसंगतियाँ दिख रही है? ये सब ठीक है दिख रहे हैं। क्षेत्र में क्या दिक्कतें परेशानी दिख रही है? दिक्कत यही देख रहे हैं, जो मतलब SC में है उनको सड़क की दिक्कत है, राशन कार्ड की दिक्कत है, इंदिरा आवास की दिक्कत है, लेटिंग की दिक्कत है। ये सब के लिए सुन रहे हैं, बहुत दिक्कत है। बोल रहे हैं कि हम लोग ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, आप लोग जीत कर चले जाते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो हम बोले जनता सब कि एक बार मौका दीजिए, सब मिलकर जिताइए, जरूर हम विकास करेंगे पंचायत का। ऐसा तो नहीं आप में भी जैसे निवर्तमान या अन्य जो भी जीत करके गए बाद में फिर दर्शन भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जखनी बुलाइएगा, 12 बजे रात हो, 10 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो या 4 बजे शाम हो, जखनी बुलाइएगा तखनी हम हाजिर हैं। चाहे हम नहीं हाजिर होंगे तो मेरे पति जरूर आएंगे, समझे? क्या क्या सिंबल है आपका? मछली छाप संजीव कुमार, उप रविंदर चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष। क्या अपील करना चाहते हैं जनता जनार्दन से? यही फील करते हैं कि अपील मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब सब मिलकर सपोर्ट कीजिए, एक बार मौका दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? शारदा चौधरी। लेकिन इनके साथ में कुछ समर्थक भी हैं, इनके साथ में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, क्या आशा और उम्मीद लेकर इनके साथ साथ दे रहे हैं आप? आशा यही उम्मीद है जो जनता बहुत चाहत है, ठीक नहीं, यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। क्यों आपका ही चाहत क्यों है? मेरा ही नहीं, पूरे समाज में चाहत है, 17 नंबर क्षेत्र संख्या में भी चाहत है। क्या क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना यही चाहते हैं हम इनसे, जनता से अपील करते हैं, इनको वोट करें और इनसे काम ले। सड़क का दिक्कत है बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, सड़क का, इंदिरा आवास का, राशन कार्ड का भी बहुत ज्यादा यहाँ समस्या है। इंदिरा आवास की बात है तो नजराना भी लिया जाता है, इस पर लगाम लगेगा? इस पर जरूर लगाम लगेगा, इस पर हम लोग विचार करके इस पर संगठन करेंगे और इस पर रोक लगाएंगे। हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलना चाहिए, अगर कोई घूस ले रहा है तो हम इस पर एकदम रोक लगाएंगे, पूरे समर्थ करके, पूरे समर्थन से रोक लगाएंगे इसमें। मेरा नाम हुआ बलबीर कुमार यादव। देखिए, कुछ महिलाएं भी इनके साथ में हैं और कुछ नौजवान भी हैं, यहाँ के भी हैं और कुछ अलग के भी हैं, एक युवा भी हैं और पढ़े लिखे लगते हैं काफ़ी। क्या क्या नाम है आपका? जी अनुज कुमार मेरा नाम। क्या दिक्कत परेशानी क्या है क्षेत्रों की? दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत ये हमको लगता है सर, जो कैंडिडेट जीत जाते हैं ना, वो कभी अपना चेहरा भी दिखाने नहीं आते, ठीक है, पहला बात। अगर वो आएंगे नहीं तो हम उनको समस्या बताएंगे किसको, ठीक है। और कुछ यहाँ पर ये भी होता है, जो मतलब किसी भी पद से आते हैं, कोई भी नेता आते हैं, मुखिया हो या वार्डर हो, ठीक है, कितना ये होते, पहले तो बोल लेते ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बना देंगे, बिजली देंगे, जो भी परेशानी है सब होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो 5 साल उसी तरह, फिर अगले साल आते हैं, हाँ जो हम उनसे ये पूछना चाहते, आप हाथ क्यों जोड़ते हैं,
जब आप जीत चुके हैं पहले, फिर आप हाथ जोड़ के वोट क्यों मांगने आए? इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप विकास नहीं करते, तब आपको लोग के सामने झुकना पड़ता है? हम चाहते हैं आपको हाथ क्यों जोड़ना पड़े, आप विकास कीजिए, आपको चेहरा देख के वोट देगा, ठीक है? कितना लोग सोचता है वो 5 साल बन जाएंगे, जीत जाएंगे, हो जितना खाएं पिए फिर जाएंगे, हाथ जोड़, जनता को बुर्बक समझते हैं। निवर्तमान का भी कार्यकाल देखे तो कैसा रहा? कुछ नहीं हमको लखा देता, कुछ दिखाई नहीं, कहाँ रोड बना हुआ, ठीक है? आज से है, अब किस आधार पे आप लोग इस ये रोड हमको लगता है इधर जाके बना है, कुछ एक हैं जो सपोर्ट किए हैं, सब जाके बना है रोड, ठीक है? तो अब जो मतदान होगी तो किस आधार पे आप लोग वोट कीजिएगा? अब आते हैं नए नए कैंडिडेट को हम देख रहे हैं, ठीक है? एक बार उनको मौका देख के देखते हैं क्या करते हैं। अब जो भी हैं अभी आए हैं, ठीक है, लेने के लिए, रविंद्र चौधरी, ठीक है, हम जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम आज जाने हैं, ठीक है? कारण इसलिए हम क्या इनसे आशा उम्मीद रखते हैं, इनसे आशा रखते हैं जो ये सब के तरह ना हो, जीतने के बाद एक बार हम चाहते हैं इनका चेहरा देखना, ठीक है? चलिए, और क्या नाम आपका? अनुज कुमार। देखिए, यहाँ के अस्थाई युवक थे और इतना तक कह डाले कि जो भी अभी से पहले भी वार्डर हो या मुखिया हो या जो भी प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं लेकिन बाद में फिर दर्शन भी नहीं देते हैं, लेकिन इनसे गुहार लगा, इनसे इतना तक कह डाले कि इनसे आशा और उम्मीद है कि लगता है इन्हें अगर अपना वोट करेंगे तो बाद में लगता है कि चेहरा ये लोग दिखाएंगे। तो बने रहिए बेटे बिहार के साथ, बेटे बिहार के लिए बेगूसराय से सोनू कुमार की रिपोर्ट।